हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो पे। पहाड़ की खूबसूरत सी वादियों से जहाँ पर लग रखा है अभी बहुत सारा धुंध कोहरा। आज का दिन याद रखना, आज के दिन से मैं करूँगा डेली ब्लॉग्स की शुरुआत। और भाई चाहे कुछ हो जाए, रोज़ ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद से और आपसे। चलो देखते हैं भाई कितना मैं अटल रह पाता हूँ अपनी बातों पर, है ना। हाँ जी, क्यों हंस रही है? वाह, मेरे बोलने से हंस रही है मम्मी। भाई देखो, ऐसा है कि हमारे चैनल पे भी आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया, 9000 सब्सक्राइब कर दिया, और हमारे सेकंड अननोन ड्रीमर वाले चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं भाई। ऑसम यार, दिल खुश हो गया। बात करो अगर मैं आज के मौसम की, तो हमारे गाँव में कुछ इस तरीके से पूरा धुंध ही धुंध, कोहरा ही कोहरा लग रखा है सभी जगह पे। अलग अलग चहल पहल, क्योंकि सुबह का टाइम है तो भाई हर किसी के घर में अलग अलग एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये खूबसूरत ना और चार चार लगाती है। कहीं से कुछ साउंड आता है, कहीं से कुछ। और हमारे बीच में देखो, ओए हीरो, ये आ रखा है, ये तारुलो का डॉग है, लेकिन होने को ये तारुलो का है, लेकिन रहता यहाँ है भाई, सुबह शाम आ ही जाता है और अंगड़ाई ले जाए लालस के बदले। चल आ जा। ओए क्या हो गया, आलस क्यों रख रहा है तेरे को? अभी तक मैंने वीडियो एडिटिंग की और अभी वक्त है यहाँ से लोहाघाट की तरफ जाने का। लोहाघाट में क्यों जा रहा हूँ आपको अभी आप पता चल जाएगा। चलो बता देता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ आज अपनी कार में मीटिंग वगैरह कराने के लिए, तो मैंने ऑर्डर दे रखा था पहले से ही। तो अभी देखते हैं भाई, आ गया है बोल रहे थे कल दादा, तो अभी आज जाते हैं हम लोग यहाँ से लोहाघाट। पहली बार मैं लोहाघाट ले जाऊँगा भाई ट्रैफिक के बीच में। पापा चलो, तो यहाँ से निकलते हैं अभी, आपको मिलते हैं सीधे फल्या मुरारी पे। कैसा दिया, कैसा? हाँ मुँह टेढ़ा हो रखा है इसका, क्या हो गया, मार पड़ी है क्या? तो फिर हैं गले को, गले को क्या गया फिर तेरे? आपको एक राज की बात बताऊं भाई, मेरे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है थोड़ी देर के लिए। जब मैंने टू व्हीलर का बनाया था, तो तब मैंने मेरे से बोल रहे थे काफ़ी सारे लोग कि फोर व्हीलर का बना लो बना लो, तब मैंने कहा भाई फोर व्हीलर है ही नहीं तो क्या बनाएं, जब होगी तो लाइसेंस बनाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई बना लेता तो अच्छा ही था, लेकिन तब सोचा नहीं था कि हम लोग गाड़ी लेंगे घर के, है ना। तो चलो कोई नहीं, अब उसके लिए भी अप्लाई करने के लिए एक दिन जाना है। आजकल आरटीओ जो है कि तनकपुर से चंपावत में आ गया, चंपावत में भी अब अपने लाइसेंस वगैरह ड्राइविंग लाइसेंस बनने लग गए हैं, तो अच्छी न्यूज़ है, ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं पड़ेगा। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और उतने टाइम के बाद भी हमारे गाड़ी पर मैटिंग नहीं रखी है, ये बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि बीच में मैं सीख रहा था तो उस टाइम पे ऐसी कोई ध्यान नहीं रहा, और फिर ऑर्डर आने में टाइम लग गया, इस वजह से लेट हो गया। लेकिन फाइनली चलो आज अपनी गाड़ी इनर साइड से सेफ हो जाएगी, जो मैट उसकी ओरिजिनल है वो ख़राब होने से बच जाएगी। ताही पिरू उन हवा कहीं चलवा। तो अभी अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं आ रखा है, तो नंबर प्लेट आने में भी लगभग मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम और होगा, 10-20 दिन उसके बाद मिल जाएगा। चलो बाप रे, गर्म भी तो हो रखा है ना, खतरनाक। चले चले, पापा भी आगे हैं, यहाँ से निकलते हैं हम लोहाघाट की तरफ को। फोन वगैरह रख देते हैं यहीं पे। यार जी चलते रहो। चलते हैं अभी, देखो गाड़ी आ रही है, रुक जाओ। चलो लोहाघाट पहुंच गए दोस्तों, अभी बस यही है असली अग्नि परीक्षा।
चलो भाई मेन स्टेशन पार हो चुका है तो मजा आया यार, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अभी धीरे धीरे ऐसे ही ना आदत बन जाएगी अपनी, तो उसके बाद जो है कि बढ़िया हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को करवानी है मैटिंग, और जो ये मैट मंगाई थी ये मैंने मंगाई थी ऑनलाइन, जो कि बहुत ही बेकार क्वालिटी की है यार, और ये मेरे काम की भी नहीं है, ये मतलब टियागो की भेज रखी है उन लोगों ने। तो हम लोग को पंच की चाहिए थी, मंगाई पंच की थी, भेज दी टियागो की, बताओ। तो इस पे मैं करवाने वाला हूँ मैटिंग, तो मैटिंग के लिए सीट वगैरह खुलेंगी तो इन्हीं का काम है भाई, जिसका काम उसी को साझा, ये खुद ही करेंगे। और उसके ऊपर से फिर मैट भी मंगा रखे हैं तो मैट बिछा देंगे और अपनी गाड़ी अंदर से हो जाएगी चकाचक, ठीक है। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई लोहागढ़ रंजीत पैलेस डिलीवरी ऑफिस के पास में, और मेरे को यहां से 2-3 सामान थे, दिखा देता हूं। एक तो ये हेलमेट था जो कि मेरा चोरी हो गया था कैंपिंग के दौरान, आपको पता होगा, तो सेम हेलमेट मैंने मंगाया है, और एक डिक्की में रखा है मैंने अपने कैंपिंग से रिलेटेड सामान। तो चलो अभी ये काम भी ज़रूरी था, यहाँ से ले लिया है, अब यहाँ से वापस नीचे जाते हैं और मैटिंग वाले का इंतज़ार करते हैं भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से घर की तरफ, को एक पार्सल मैंने पकड़ रखा है, दो पापा ने पकड़ रखे हैं ये, और चलो बढ़िया से। मैटिंग तो अभी हुई नहीं, तो मैटिंग होने में कल दोबारा जाऊँगा, फिलहाल ले आया ख़रीद के, और क्योंकि लगने किसी और जगह पर है, तो कल इंस्टॉलेशन कराने जाएंगे तब मिलेंगे कैसा। फिलहाल अभी नॉर्मल मैट ला रखा, उनको बिछा लूँगा बाद पे, जब वैक्यूम क्लीनर वगैरह कर लूँगा ना उसके बाद। अभी दिन के टाइम पे मौसम ऐसा है कि घर पहुँचते पहुँचते लगता है बारिश आ जाएगी, और रास्ते पे एक आध जगह तो बूंदाबांदी हो भी रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। अगर बारिश आती है तो फिर मैं जाऊँगा रेन कैंपिंग करने के लिए, सुकून वाली जगह पर, आज बहुत दूर यहाँ से। और ये पेड़ पे देखो यार नाशपाती कैसे लदे हुए हैं ये, हम ये धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद गिरने लग जाएंगे, पक जाएंगे जब। तो और पहुंच गया हूँ मैं अपने गांव पे, ये आज बढ़िया है, धूप वाले मौसम में मज़ा नहीं आता तो ये मौसम। अब यार अब मैं इन सारे चीज़ों को खोलूँगा घर पे, आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या है घर के इनमें, तब जाके आपको समझ में आएगा। और अनबॉक्सिंग भाई मेरे को देखना भी पसंद है और करना ही पसंद है, आपको भी अनबॉक्सिंग पसंद है तो कमेंट करना, ठीक है। मैं बहुत चीज़ें अनबॉक्स करते रहूँगा आने वाले टाइम पे। घर भी पहुँच चुके हैं, अरे बाप रे, मुंबई मुंबई ऊपर है क्या, आ गया मैं, बाजू का घुमाना ही बाजार तक सुनने हैं, बाजू का बाजार तक घुमाना ही हूँ, देखना टीवी यहीं रख कि हे राम तेरी माया, ये मेरी ईजा को थोड़ा अक्कल दो, मेरा सामान आते ही इसकी हे राम निकलती है, रोज पैसे मैं खर्च करता हूँ, कुछ लाता हूँ और घर दे इसको, जरूरत की चीज़ें तो लानी ही हुई ना, जरूरत में बैंक के लिए नहीं, आल तो फालतू नहीं लाता भाई, पैसे मेरे को पता है पेड़ में थोड़ा उग रहे हैं, एक भी सामान गिना दे चल जो मैं खाली फालतू ला रखा हूँ और रखा पड़ा है, हर किसी सामान का यूज, आप तुम लोगों को उनका यूज पता नहीं हुआ तो अब लगने वाला था तुम्हें, अरे सब चलता है, फोन लगाऊ पड़ गया हुआ। इससे पिछले बार जब मैंने हेलमेट मंगाया था तो एल साइज का मंगाया था, तब मेरे को अंदाजा नहीं था, इस बार एम साइज मंगा रखा है, काफ़ी बढ़िया हेलमेट है स्टील बट का, सही, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ मैं पहनूंगा, कोई नहीं पहनेगा। और दूसरा जो पार्सल है, दूसरा है भाई अपना ये नया कैंपिंग गियर, समझ गए होंगे यही है इसके अंदर, अब क्या खोलूँ अभी, यही निकलेगा मतलब इसके अंदर, ठीक है। और जो तीसरा है, तो तीसरी चीज़ को भी खोलते हैं भाई, खोल दो इसको, यहाँ से खुलेगा, देखा
टॉयलेट किट। अब ये कैसे काम करेगी मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे है और ये इसमें फंस जाएगा ऐसे, ये और इस पे फंसेगा भाई ये, वाह। और इस पे लगेगी पॉलीथीन और फिर घर पे मस्त सुबह धूम धड़ाका करेंगे बढ़िया कैंपिंग में। इस और जो शावर वाला टेंट आएगा तो उसको लगा देंगे, एक छोटा सा टेंट आता है ना वाटरप्रूफ, तो उसको लगा दूंगा इसके अंदर, बढ़िया से कमरा जैसा हो जाएगा। और अपना पर्सनल ये हो गई किट, यानी कि सुबह हल्का होने के लिए भाई कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इससे बस पॉलीथीन मंगानी बाकी है थोड़ी सी, तो उनको बाकी का हम लोग खड्डा बना करके या फिर कुछ भी कर लेंगे। गाड़ी है तो भाई ये इसकी भी ज़रूरत थी भाई, है ना। सही है मम्मी, ये किस पक्षे है खास कर ये सुबह का ये सबसे ज़रूरी आइटम जो सब हर किसी को इसकी नीड है। इसने जी सामान बाजार में आ लो, जी चीज यूज है दुनिया में तो कई चीज यूज करनी हो तो सब ली आ ले। दोस्तों आजकल सच सामान मंगा लिया था क्योंकि एक बार आ जाता है तो फिर आ जाता है। ये भी यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल। अब मम्मी लोगों को पता नहीं हुआ तो इनके लिए तो ऐसा ही हुआ, ये फालतू का ही सामान हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं। समझ रही है, समझ ले। जा अब अंदर टीवी देख तू, जा हंसते मत रहे, जा। ये पॉलीथीन कहाँ आ गई थी इस मॉडल में।